जय भगवान राधे कृष्णा। दोस्तों स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया हैड जस्ट बिगिंस। तो फाइनली आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अलेक्सा ब्लिस के बारे में, बिकॉज अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न टीज हो चुका है और मैं आपको कन्फर्म बताने वाला हूँ अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न कब होगा। कन्फर्म बोल रहा हूँ, और अंकल हाउडी के साथ होगा या नहीं होगा, बिकॉज ड्रेडमेयर चैनल यानी कि ड्रेडमेयर द हॉरर ऑफ द हार्ट्स, भाई साहब ये यूट्यूब चैनल जो है ड्रेडमेयर, आई डोंट नो ये क्या कर रहा है, बिकॉज पिछले कितने समय से ये ब्रेवर्ड की, अंकल हाउडी की, अलेक्सा ब्लिस की, शोन स्पीयर्स की बो डैलस की वीडियोस अपलोड कर रहा है, और एक हॉरर वे में, मतलब उनको पूरी तरह से भूतिया करेक्टर दे रहा है, भूतिया बना रहा है, पीछे से अपनी आवाज़ भी बदल रहा है, ब्रेवर्ड की तरह प्रनाउंस कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो बंदा है इसका डब्ल्यू कंपनी से लिंक है या नहीं। दोस्तों देखिए, अभी तक डब्ल्यू कंपनी में ऐसे कुछ ग्लिची शुरू नहीं हुए, बिकॉज शोन स्पीयर्स के ग्लिची शुरू हुए थे एनएक्सटी के अंदर। लेकिन पते की बात यह है कि भाई साहब ये ग्लिचिज हो क्यों रहे हैं, बिकॉज एक बात तो कन्फर्म है कि कुछ ना कुछ प्लान हो रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है भाई, डरने के लिए तैयार हो जाइए, बिकॉज आई थिंक दो शांत पानी होता ना, उससे डरना चाहिए। शांत पानी को कभी मत छेड़िए, बिकॉज वहां पर कुछ ना कुछ बवाल होता है, और यही कुछ चीजें ड्रेडमेयर चैनल पर क्रिएट की जा रही है। अब इसका ओनर कौन है मुझे नहीं पता इस चैनल का, बिकॉज आज तक उसका फेस रिवील नहीं हुआ है। फेस तो वैसे मेरा भी रिवील नहीं हुआ है, करेंगे रिवील कभी। लेकिन बात करें ड्रेडमेयर की, 10-12 वीडियो बना चुका है बंदा, लेकिन सारी वीडियोस ब्रेवर्ड से रिलेटेड है। सारी वीडियोस में आपको बो डैलस, अंकल हाउडी, अलेक्सा ब्लिस यही देखने को मिलने वाले हैं, बिकॉज अब स्टोरी जो आगे चलने वाली है इन्हीं तीनों को लेकर चलने वाली है। बिकॉज बो डैलस का दोस्तों इस समय डब्ल्यू कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट की बात करें वो है, जी हाँ, अंकल हाउडी स्टिल विद WWE कॉन्ट्रैक्ट, अंडर कॉन्ट्रैक्ट। अलेक्सा ब्लिस का तो कन्फर्म है कि अलेक्सा ब्लिस पूरी तरह से फिट है, बस अलेक्सा ब्लिस के रिटर्न की तैयारी है। अब बात करें अंकल हाउडी की, अंकल हाउडी बो डैलस ही हैं, सेम कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ऐसा नहीं है। तो देखा जाए तो वैसे तीन बंदे हैं ये, लेकिन है दो ही, अलेक्सा ब्लिस एंड बो डैलस। अब जो चीज़ें चलने वाली हैं उसमें बो डैलस का फेस आना चाहिए, बिकॉज अब चीज़ें बदलने वाली है। बिकॉज अगर आपको ब्रेवर्ड की जगह लेनी है, वैसे तो ब्रेवर्ड की जगह कोई ले नहीं सकता है, लेकिन बो डैलस को अगर उसी कहानी को दोबारा से रिक्रिएट करना है, सो आई थिंक आपको ब्रेवर्ड की जगह लेनी पड़ेगी, उसकी तरह से प्रोनाउंस करना पड़ेगा, उसकी तरह से हरकतें करनी पड़ेंगी, उसकी तरह से डराना पड़ेगा, समझ रहे हो। सो आई थिंक बो डैलस ये काम कर सकता है, बिकॉज ब्रेवर्ड एंड बो डैलस दोनों की शक्लें बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत फर्क है बस, सेम शक्लें हैं। और आई थिंक अगर डब्ल्यू कंपनी इस स्टोरी लाइन को, यानी कि ट्रेडमेयर, वाकई में ट्रेडमेयर वाला बंदा डब्ल्यू कंपनी के साथ लिंक में है, और आई थिंक ट्रिपल एच के कहने पर या डब्ल्यू कंपनी के कहने पर सेम कहानी जो ब्रेवर्ड के समय क्रिएट करी गई थी वाइट रैबिट, अगर वो ऐसा हुआ है तो भाई साहब मजा आने वाला है, सही कह रहा हूँ। और बात करें अलेक्सा ब्लिस के लेटेस्ट ग्लिचेस की, तो भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हैं हर चीज़ है जो डराने के लिए काफ़ी है। अब इसमें अलेक्सा ब्लिस का टीज कन्फर्म है, चाहे वो अलेक्सा ब्लिस का पुराना करेक्टर हो गॉडेस वाला, उसके बाद वो लिली बनी, उसके बाद चीज़ें दोबारा से रिक्रिएट करी जा रही है। बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने मैच देखा था रेसलमेनिया 37, जी हाँ, आपको मैं 3 साल पहले लेकर जाना चाहूँगा, 2021 रेसलमेनिया 37 में एक मैच हुआ था, द फीन्ड वर्सेस रैंडी ऑर्टन। अब इस मैच में सबसे बड़ा एक हिंट था, सबसे बड़ा बवाल क्या हुआ था, इस मैच के एंड में फीन्ड को हरा दिया गया था ऑर्टन के थ्रू। अब फीन्ड का हारना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज फीन्ड को इससे पहले गोल्डबर्ग ने हराया था एंड उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने, फीन्ड को हराना बहुत मुश्किल था, लेकिन फाइनली इस मैच में रैंडी ऑर्टन ने फीन्ड को हरा दिया। और किसकी मदद से? अलेक्सा ब्लिस की मदद से, बिकॉज आप देख सकते हैं अलेक्सा ब्लिस ने यहाँ पर फीन्ड को मुझे नहीं पता क्या किया था, लेकिन अलेक्सा ब्लिस की आंखों से पूरा काला खून निकल रहा था, सोचो ये खून है पानी है मुझे नहीं पता, लेकिन दिस इज द प्योर हॉरिबल सिनेमा, एक हॉरर मूवी देख रहे हो ऐसा लगेगा आपको। सो ये वो चीज़ें हैं जो डायरेक्ट कनेक्टेड हैं ब्रेवर्ड से, फील्ड से, बो डैलस से, अंकल हाउडी से, समझ रहे हो।
ये चीजें को दोबारा से दिखाना इस चैनल पर इस वीडियो में, कहीं ना कहीं भाई साहब स्टोरी लाइन अधूरी थी उस वक्त, बिकॉज अभी तक सही कहो तो मुझे आपको किसी को जवाब नहीं मिला है कि अलेक्सा ब्लिस ने ब्रेव एट को यानी कि फील्ड को बिट्रे क्यों किया था रेसलमेनिया 37 के अंदर। ये जवाब अभी तक नहीं है। और मैं आपको सही कहूँ दोस्तों, अगर अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न होता है बिल्कुल होगा रेसलमेनिया 40 के बाद ही होगा, और यही स्टोरी लाइन को कंटिन्यू किया जाता है। बिकॉज एक समय पर यह बातचीत थी कि फील्ड को तभी वापस लाया जाएगा जब अलेक्सा ब्लिस और फील्ड की स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा। बिकॉज फील्ड को हराना अलेक्सा ब्लिस ने क्यों चुना और अलेक्सा ब्लिस ने क्यों फील्ड को हरवाया 37 में, समझ सकते हो, बहुत बड़ी बात थी। और रेमंड जेन स्टेडियम रेसलमेनिया 37 की लोकेशन, वहां पर द बिगेस्ट शॉकर हुआ था कि अलेक्सा ब्लिस ने बिट्रे कर दिया था फील्ड को और ऑर्टन को जितवा दिया था। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। उस समय स्टोरीलाइन थी, लेकिन उस समय आपको पता है ब्रे वाइट को रिलीज कर दिया गया, उसके बाद सारी चीज़ें पता ही है आपको। लेकिन अगर ट्रिपल एच और डब्ल्यू कंपनी वापस से इस स्टोरीलाइन को रिक्रिएट करती है, कंटिन्यू करती है, बहुत मजा आने वाला है। एंड यू शुड बी एक्सेप्टेड दैट, मैं सही कह रहा हूँ भाई। और अगर ऐसा हो गया ना, सही कह रहा है, बहुत मजा आएगा वापिस से हमें डब्ल्यू कंपनी में कुछ ऐसा। बिकॉज अभी डब्ल्यू कंपनी में हॉरर की कमी है, बिकॉज हॉरर डब्ल्यू कंपनी में हमेशा से रहा है। अंडरटेकर ने नंबर वन पर अंडरटेकर था, उसके बाद बोगीमैन भी आपको याद आया था, एंड देन फिर ईटर ऑफ द वर्ल्ड ब्रेव हार्ट। लेकिन ब्रेव हार्ट के बाद अभी तक ऐसा कोई हॉरर करेक्टर, हॉरिफाइंग करेक्टर नहीं आया डब्ल्यू कंपनी में। लेकिन आई थिंक अंकल हाउडी इज अ परफेक्ट ऑप्शन, और ट्रिपल एच को देरी नहीं करनी चाहिए। अंकल हाउडी अलेक्सा ब्लिस द्वारा से लेके रेसलमेनिया 37 की स्टोरी, यानी कि द अलेक्सा ब्लिस बिट्रे द फिएंड, ये स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करा जाना चाहिए। अब देखिए, आप कहेंगे भाई साहब ऐसा हो सकता है, देखिए ऐसा हो सकता है बिकॉज डब्ल्यू कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए, और आई थिंक ये स्टोरी लाइन से डब्ल्यू कंपनी का बहुत प्रॉफिट है। बिकॉज अगर ये स्टोरी लाइन कंटिन्यू होती है वो बहुत मजा आ सकता है भाई। बिकॉज ट्रेडमेंट चैनल पे जिस तरह के ग्लीचेज आ रहे हैं, जिस तरह की वीडियोस क्रिएट करी जा रही हैं भाई साहब, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो आप। अब ये बंदा हफ्ते बाद वीडियोस अपलोड करता है, एक नया चैलेंज देता है कि तुम गेस करो क्या होने वाला है। यार हम सारे गेस कर सकते हैं, कोट भी कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न मेन मुद्दा है कि रिटर्न कब होगा, वो सारा डब्ल्यू कंपनी के हाथ में। अभी तक ऐसा देखा जाए तो हमें कोई ऐसा ग्लीचेज बार कोड वगैरह द्वारा से देने को शुरू नहीं हुआ, बट आई थिंक डब्ल्यू कंपनी सब करेगी जब रिटर्न बहुत जल्दी होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ कन्फर्म है कि अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न समर स्लैम से पहले हो जाएगा, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो समर स्लैम से पहले अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न कन्फर्म है, मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ। एंड सबसे बड़ी बात कि फील्ड वाली स्टोरी को कंटिन्यू करो तो बहुत मजा आएगा। सो शुक्रिया दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट डब्ल्यू डब्ल्यू ई। जय भगवान राधा कृष्ण, मिलते हैं आप सकल, सी यू टुमारो गाइस।